आईडीटी में जिस तरह सिखाते हैं ना, दैट्स वेरी डिफरेंट. मैंने जो कॉलेज लाइफ मैंने सोचा था, मुझे वो जीने मिल गया वापस. आईडीटी पे भी कुछ भी फंसते हैं ना, तो ऑल द फैकल्टीज लाइक कि भाई एक कॉल अवे, तुम कभी भी कॉल करो, वी आर देयर. हाय एवरीवन, सो आज हम हमारे एक्स स्टूडेंट सार्थक के वर्क स्पेस पे आए हैं उनसे कॉन्वर्जेशन करने, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड. सो हाय सार्थक. हाय, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू टॉक टू अस. सो व्हाई डोंट यू टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप अभी क्या काम कर रहे हैं, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन. या myself Sarthak Shah, I am a civil engineer as well as an interior designer. I'm currently handling hospitality projects plus commercial plus residential. I mean all types of projects I'm handling. Currently I'm working on a very interesting project, around 15,400 square feet project of hotel plus banquet plus restaurant plus rooftop cafe, and around 3 bungalows I have been working on since now. I have given possession for around 3 sites that are 6,000 square feet a bungalow, 2,500 square feet of a flat, and a commercial space of 1,200 square feet. That's really awesome. So congratulations on that. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी आईडीटी की जर्नी कैसी रही है एज एन इंटीरियर डिजाइनर, तो थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए. सबसे पहले आई जस्ट वांट टू से दैट इट्स एन अमेजिंग जर्नी. मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ये जर्नी इस तरह से होगी. लाइक एज एन आई एम अ सिविल इंजीनियर, तो मैंने ऑलरेडी कॉलेज कर रखा है, सो आई जस्ट नो कि कॉलेज का जर्नी कैसा होता है. बट दैट वॉज वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस इन आईडीटी, कुछ सोचा नहीं था वैसा हो गया. आपको सब हर कोई सब कुछ चीज़ें सिखा देंगे ऐसा, बट द वे दे It's all about method of teaching. IDT में जिस तरह सिखाते हैं ना, that's very different. One to one communication रहता है, एक एक चीज पे focus करते हैं, practicality पे focus करते हैं. That's where most of the other institutes lack. My journey was very interesting क्योंकि इसमें इतने सारे workshops थे. के India Arc था, base था, studio के projects थे. It was मतलब एक होता है कि एक स्पेसिफिक पैटर्न पे चलना, और एक होता है उसको इंटरेस्टिंग बना के आगे बढ़ना. दैट्स वेयर इट बिकेम वेरी डिफरेंट. और नॉट ओनली जस्ट द करिकुलम, बट इनके फैकल्टीज भी बहुत, यार आई एम स्टिल इन टच विद ऑल द फैकल्टीज एंड दे आर वेरी सपोर्टिव. कोई प्रोजेक्ट में कभी कोई इशू होता है, दे जस्ट से वी आर वन कॉल अवे. दैट्स व्हाट एल्स यू नीड, राइट? नॉट ओनली द फैकल्टीज बट ऑल्सो स्टूडेंट्स एंड अदर स्टाफ इज ऑल्सो वेरी गुड. इट्स लाइक के मैंने जो कॉलेज लाइफ मैंने सोचा था, मुझे वो जीने मिल गया वापस. अमेजिंग. तो हम अब कॉलेज लाइफ की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई मेमोरेबल इंसिडेंट आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है, बहुत सारे मेमोरेबल इंसिडेंट्स है, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू शेयर. मतलब ऐसे आई टेल यू वन थिंग, कि हम लोग जब काम कर रहे थे स्थापत्य में, हमारा वो था, वी हैव टू प्रेजेंट द फर्नीचर. हमको खुद एक फर्नीचर पे काम करना था, वो हमको बताना था, एंड वी हैव टू प्रेजेंट दैट. सो द वे वी यूज टू वर्क, मुझे पहले इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एट स्थापत्य, तो मुझे लगा कि भाई ठीक है, सुबह आने का, शाम को जाने का, इतना काम करने का, फिर खत्म हो जाएगा. बट नहीं, वी हैव वर्क टिल 2 AM, 3 AM, 4 AM, भी हम लोग घर भी नहीं गए कोई कोई बार तो ऐसा. बट एक्चुअली दिस वॉज वेरी, ऐसा मैंने कभी नहीं किया इतना लाइफ में, इतना हार्ड वर्क, वो भी इतने मजे से करें. सो दैट्स वेरी डिफरेंट. और मतलब एंड नॉट ओनली दिस, बट जब हम लोग एग्जीबिशन में गए तब भी इट वॉज सो जस्ट अमेजिंग. मतलब जो स्टाफ का सपोर्ट मिला, सबका सपोर्ट मिला, एंड इवन वी सोल्ड आवर फर्नीचर आल्सो, सो इट वाज वेरी नाइस. दैट्स अमेजिंग. सो बिफोर वी रैप दिस कन्वर्सेशन अप, हमारे जो फ्यूचर इंटीरियर डिजाइन स्टूडेंट्स हैं, आप उनको कुछ ये शेयर करेंगे कि ये फील्ड में क्या डिफिकल्टीज आ सकती है और उन्हें कैसे फेस करना है? सी, वंस यू हैव टू गेन द एक्सपीरियंस, जितना एक्सप्लोर करोगे आप, इतना आप लर्न करोगे. मतलब तो मेरा एक पीस ऑफ एडवाइस है कि आप जितना घूम सकते हो उतना घूमो, दिन में जितना भी घूमो, काम करो इतना, और एक्सप्लोरेशन में ध्यान दो, एक एक स्पेसिफिक छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. मतलब मुझे तो क्या है कि आई हैव बीन वेरी ग्रेटफुल कि मैंने यहाँ से किया है, क्योंकि चल कहीं पर भी कुछ भी फंसते हैं ना, तो ऑल द फैकल्टीज लाइक कि भाई एक कॉल अवे, तुम कभी भी कॉल करो, वी आर देयर. उनको कुछ इवन अभी तो सब खत्म हो गया है, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम के आईडीटी भी खत्म हो गया है, पढ़ाई करिकुलम सब खत्म हो गया, फिर भी दे आर इन टच और दे आर वेरी सपोर्टिव. तो मुझे फील होता है कि फ्यूचर के लिए दो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो आपका स्किल होना चाहिए, लर्निंग का स्किल होना चाहिए, एक्सप्लोरेशन ऑब्जर्वेशन का स्किल होना चाहिए. सेकेंड थिंग कि आपके पास एक सपोर्ट होना चाहिए, आई फील एक मेंटर होना चाहिए. सो या तो दिस इज द एडवाइस आई जस्ट वांट टू गिव टू स्टूडेंट. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू टॉक टू अस. मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच.